please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली में एक पुलिस कांस्टेबल की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कुछ महिलाएं कांस्टेबल को पकड़कर पीट रही हैं। आरोप है कि कांस्टेबल ने एक लड़की से छेड़खानी की, जिसके बाद महिलाओं ने उसे पकड़ लिया और पिटाई के बाद 100 नंबर पर फोन कर पीसीआर को भी बुलाया। घटना 17 और 18 जून की रात की बताई जा रही है। रात करीब 3 बजे ये घटना हुई। कांस्टेबल का नाम सुनील है और इस दौरान आरोप है कि कांस्टेबल ने अपनी सरकारी पिस्तौल दिखाकर लोगों को धमकाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांस्टेबल की पिस्तौल जब्त कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, कौन है ये कांस्टेबल, क्या जानकारी मिल पाई है, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है इस पर? देखिए, ये जो कांस्टेबल है सुनील, इसका नाम है और ये सुल्तानपुरी थाने में पोस्टेड था और बीट कांस्टेबल है। स्पेशली जो सुरक्षा की एक यूनिट होती है वो थाने की यूनिट में ये मौजूद था और अपनी लाइसेंसी पिस्टल जो इसको वहां से मिली थी माल खाने से उसको लेकर ये निकला था। और बता, जो जिस तरह से पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया कि ये छेड़छाड़ करता है और अक्सर पहले भी यहाँ पर इस बीट में रह चुका था, उसके बाद ये ट्रांसफर होकर दूसरी बीट में गया था, लेकिन वापस इसी बीट में आने के बाद इसने 17 और 18 की रात को लगभग 3 बजे के आसपास पुलिस की कॉल मिली है कि एक जो पुलिसकर्मी है वो छेड़छाड़ कर रहा है और गालियां दे रहा है और साथ ही पिस्टल लहराकर जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसके बाद मौके की पुलिस पहुंची है और उन्होंने उसको तुरंत ही काबू में किया और इवन उसके जो कमर पे उसके लोडेड पिस्टल था उसका कॉक खींचा हुआ था, यानी कि गोली चलने की वहां पर गुंजाइश थी और पुलिस ने उसको तुरंत ही जब्त किया और उसको पकड़कर थाने ले गई है, उससे पूछताछ की गई है। तो कांस्टेबल ने भी इस पूरे मामले में अपनी तरफ से एक तहरीर दी, जिसके बाद दोनों पार्टियों की तरफ से शिकायत दी गई है इस पूरे मामले पर और मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। वही कांस्टेबल विकास जो सुनील है उसके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए। नजर बना रहे की दीपक लौटेंगे आपके पास। लखनऊ के चारबाग इलाके में 2 होटल में लगी भीषण आग में 5 लोगों की मौत हो गई। आग SSJ नाम के होटल में लगी और देखते ही देखते बगल के विराट होटल को भी अपनी चपेट में ले लिया। खबर आ रही है कि अब भी होटल के बेसमेंट में आग लगी हुई है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि आग सिलेंडर फटने की वजह से लगी। विराट होटल है, उसमें पुलिस के अधिकारियों की माने तो अब उसके अंदर कोई शख्स मौजूद नहीं है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही होटल है जहां हम आपको ले चल रहे हैं कि जहां पर SSJ इंटरनेशनल होटल के बाद आग लगी थी, ये उसका रिसेप्शन एरिया था जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और साथ ही ये जो आप देख रहे हैं बाएं और ये लिफ्ट थी जिसको आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने के कारण जो लोग इसमें फंसे हुए थे वो बाहर नहीं निकल पाए, जिसके क्योंकि जो जीना बगल में बना हुआ है वहाँ पर भीषण आग लगी हुई थी, जिसके चलते जो इसमें फंसे लोग थे उन्हें खिड़कियों के जरिए कूदना पड़ा, ऊपर से निकलना पड़ा। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सुबह के वक्त यहाँ की स्थिति खासा भयावह थी। आप देख रहे हैं कि ये वही जीना है जहाँ के जरिए लोगों को निकाला जाना था, जबकि जो फायर सेफ्टी के एक्ट हैं उसमें ये साफ जिक्र रहता है कि जो इस तरह के होटल्स हैं या जहाँ पर यात्री या अन्य लोग आते हैं उनके निकलने के लिए कम से कम 2 से 3 रास्ते होने चाहिए। आप देख रहे हैं ये होटल के कमरों के हालात हैं, जो बाहर है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। ये एक रूम है, इस रूम में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो आग है ये अंदर तो नहीं पहुंच पाई है, लेकिन धुएं के चलते दम घुटने से कई लोग यहाँ पर फंसे थे। बताया जाता है वो बच्ची इसी कमरे में मौजूद थी जिसका जूता अभी भी पड़ा हुआ है, अभी भी यहाँ पर दम घुट रहा है। तो ऐसे में जो लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इसी में जो लोग फंसे हैं, जो और भी लोग हैं इसमें, आप देख सकते हैं कि फिलहाल इन होटलों में कमरों में कोई नज़र नहीं आ रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो अधिकतर लोगों को निकाला जा चुका है। आप देख रहे हैं जो AC के फैंस हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं इस धुएं से, और भी जो रूम्स हैं, हम खुद आपको न्यूज़ 18 की टीम आपको दिखा रही है कि कौन लोग अंदर मौजूद हैं और कौन नहीं। ये आप देख लीजिए कि पूरी तरीके से लोग डरे हुए थे, इसीलिए यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था, निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और यही कारण है कि जो अभी कुछ देर पहले लोग निकाले गए हैं वो यहाँ से बुरी कंडीशन में निकाले गए हैं। देखिए कितना धुआं भरा हुआ है, अभी भी घुटन हो रही, पूरी तरीके से ये रूम जल चुका है। हालांकि ये दावा किया जा रहा था कि आग का कोई अंदर फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन आप देखिए टीवी तक गल गया है आग की इस चपेट में।
पूरी तरीके से अभी भी इसमें धुआं भरा है। ये देखिए लॉक था जिसके जरिए लोग भाग नहीं सके, और अगर ये खुला होता कहीं दूसरा रास्ता होता तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ा नुकसान नहीं होता। ये कमरा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि फिलहाल कोई नहीं है, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है। ये देखिए आप, अभी भी लोगों के जूते बचे हैं जो लोग खिड़कियों से कूद कर भागे हुए थे और अपनी जान जैसे तैसे बचाई है। राजस्थान के अलवर में एक पुलिस वाला एक आदमी को उसके कॉलर से पकड़ कर थाने के अंदर ले जाने लगा। आरोप है कि नशे की आदि इस शख्स ने अपनी पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। अपने पति को खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच महिला के परिजन भी मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े दिखे, जिसके बाद उस महिला ने भावुक होते हुए अपने पति पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगा दिया। पति से प्रताड़ित होने का दावा करने वाली महिला ने उस पर बच्चों के साथ भी मारपीट करने का आरोप लगा दिया। विज्ञान में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि पहली बार भारत के छात्रों का बनाया हुआ एक यान चांद की सतह पर पहुंचने वाला है। ये कारनामा चेन्नई की एक संस्था SKI यानी स्पेस किड्स इंडिया के छात्रों ने किया है। दावा किया जा रहा है कि छात्रों ने ऐसे लैंडर और रोवर तैयार किए हैं जो चांद की सतह पर उतरेंगे। योजना के मुताबिक 2019 में छात्रों के बनाए हुए ये यान चांद पर भेजे जाने हैं। हालांकि चांद की सतह पर इन्हें भेजने के लिए किस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा यह भी साफ नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ये लैंडर और रोवर काफी कुछ इसरो के चंद्रयान 2 की योजना से मिलते जुलते होंगे। बीजेपी सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी में अपनी अनदेखी किए जाने के लिए इशारों में पार्टी के आला नेताओं पर निशाना साधा। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने दावा किया कि उन्हें RJD में शामिल होने का बुलावा आया है, लेकिन वो अपनी मर्जी से बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की खबरें आ रही हैं इन दिनों कि आप बीजेपी से थोड़े नाराज हैं और आपका झुकाव दूसरी पार्टियों की तरफ हो रहा है, क्या वाकई ऐसा है? भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त से शामिल हूँ जब करीब करीब हमारी भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सिर्फ 2 सीटों की पार्टी हुआ करती थी। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेरी पहली और आखिरी पार्टी है। आपने भारतीय जनता पार्टी में पूछा तो मैंने हाथ कहा कि मैं, कई लोगों ने पूछा मगर ना, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। मैं इसलिए नहीं पार्टी में शरीक हुआ था कि एक दिन मैं पार्टी छोड़ दूंगा, लेकिन हाँ, अगर पार्टी मुझे निकालना चाहती है, पार्टी अगर मुझे छोड़ना चाहती है, तो मैं उनके विजडम को चुनौती नहीं दूंगा, उनके निर्णय को सर आँखों पर लूंगा। अगर वो मुझे निकालना चाहते हैं, और जब बात निकलने और निकालने या नहीं निकलने और निकालने की हो रही है, तो बीच में कई रास्ते निकलते हैं। उन्हीं रास्तों पर आप जिक्र कर रही थी, रास्ते निकलते हैं, और रास्ते जब निकलते हैं, आदमी जब विवश हो जाता है, विवश आदमी जब बिल्ली को आप कमरे के अंदर बंद करेंगे और कहीं से रास्ता नहीं दिखेगा उसे, तो पंजा तो मारेगी वो। मैंने फिलहाल अभी तक पंजा नहीं मारा। हाल फिलहाल की जो खबरें हैं वो RJD से लालू यादव की पार्टी से आपको खुला ऑफर है इस बार की लोकसभा इलेक्शन के लिए? जब तक मैं पार्टी में हूँ, पार्टी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूँगा। वो तड़पाएंगे तड़पा लो, ठुकराओगे ठुकरा लो, हम तड़प तड़प के भी तुम्हारे गीत गाएंगे जब तक हम तुम्हारे साथ हैं। तुमको नहीं ठुकराएंगे, तुम ठुकराओ। ये है, आज लालू यादव के बारे में पूछे तो मैं समझता हूँ देश के चंद सबसे, और मैं कह रहा हूँ देश के चंद सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक। आप कहते जाइए अरे वो चारा में ये हो गया, फलाना में वो हो गया। अब अभी अभी तो ये दिन आ गया कि लोग कोर्ट्स की बात पे यकीन नहीं कर रहे। लोग अजीब जो दुख की बात है, कोर्ट्स की हम बहुत इज्जत करते हैं, पर लोग कहते हैं कि नहीं साहब उनको फंसाया गया है। ये ऐसा कैसे है कि साहब किसी को 14 साल की सज़ा मिल गई? सात साल हमेशा सज़ा साथ साथ चलती है, 14 साल कैसे मिल गई? और ऐसा उसमें कोई मुख्यमंत्री के लिए कोई कहता मानने को मन नहीं करता कि साहब 1 करोड़ में और 86 लाख रुपया में साहब आप गबन करेंगे, और आप गबन करेंगे तो कुछ समय का DM क्या कर रहा था उसके? बहुत सारे, मैं किसी भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि कोर्ट का मामला है और कोर्ट का वर्डिक्ट हम सर आँखों पर लेते हैं। हम लेते हैं, भले हमसे दुख होता हो फिर भी हम लेते हैं सर आँखों पर हम। लेकिन उसकी लोकप्रियता मैं खुद कई बार देख के आऊँ, लोग ज़बरदस्त, हम उनके लालू जी की बहुत अच्छी सेहत की और उनके उम्र की दीर्घायु होने की हम कामना करते हैं। तेज लड़का जो है कितना आप कल परसों का जिस जो भी हो, आज उसमें अंदर मैच्योरिटी आई है, जिस तरह से उस चीज़ों को पेश कर रहा है, और तेजस्वी जिस तरह से एक एक विषय का गहन अध्ययन करके उसको कहाँ शुरू करना और कहाँ ख़त्म करना है, और उसकी लोकप्रियता इस वजह से इतनी बड़ी हुई है, यूथ पागल है उसके पीछे। ये लालू
लालू का परिवार और खासकर तेजस्वी, राबड़ी जी, तेज, भीसा और लालू यादव का जो ये वातावरण पैदा किया है और जो सामने आ रहा है, समझिए टाइटैनिक या तूफान या सुनामी बन के आ रहा है, इससे अभी एक गुट और एक जुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। अगर एक गुट और एक जुट होकर नहीं लड़े, अभी भी इसी तरह बिखरे रहे या बिफरे रहे, तो ये सबको उड़ा के और उठा के ले जाएगा ये। और उन लोगों का जब मुझको ऑफर आता है, और ऐसा ऑफर आता है कि गजब का आता है, हमें कहते हैं, तो बड़प्पन है उनकी, कि आप हमारे परिवार के भी गार्डियन हो और आप हमारे पार्टी के भी गार्डियन हो, मेरी आंखों में नमी आ जाती है। वो कहते आप संभालिए, और हम पारिवारिक मित्र हैं एक ज़माने से। हमने कहा उनकी कोई फैसला इसलिए नहीं किया है कि अभी वो घड़ी आई नहीं है, अभी देखेंगे तो क्या क्या। लेकिन कई बार कुछ लोग जो चाल चलते हैं या चालबाजी करते हैं मेरे साथ, उनको बता देता हूँ मैं कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। 2019 में विपक्ष एक तरफ सब एकजुट होकर के खड़ा है, बीजेपी एक तरफ है, क्या देखते हैं 2019 में? देखो, जैसे मैंने ज्योतिष तो नहीं हूँ, लेकिन मैं खतरे की घंटी तो देख रहा हूँ। पर खतरे की घंटी देख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम अभी भी अपने लोगों को गले लगाएं, हमने क्यों दूर कर दिया है? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगह जगह जा रहे थे, वो स्पोर्ट्समैन से, स्पोर्ट्स स्टार से मिल रहे थे, फिल्म स्टार से मिल रहे थे, डिफेंस फोर्सेस से मिल रहे थे, कुछ हद तक कहीं कहीं स्पेंट फोर्सेस से भी मिल रहे थे, ये सब कर रहे थे। अरे जिनसे मिलना चाहिए, समर्थन मांगने वहाँ जा रहे हो, अच्छी बात है, वो लोग भी अच्छे लोग, बढ़िया लोग हैं, चाहे डिफेंस फोर्सेस हैं या कुछ स्पेंट फोर्सेस भी, चलो अच्छे हैं। लेकिन क्या ये वक्त नहीं है कि समर्थन से ज़्यादा हम समर्पण पर फोकस करें, समर्पण करें, जाएं, अडवाणी जी को गले लगाएं, मार्गदर्शक मंडल में नहीं डालें, उनसे मार्गदर्शन लें, यही तो वक्त है। मुरली मनोहर जोशी जैसे जीनियस को बुलाएं, ग्रेट राइटर एंड इंटेलेक्चुअल अरुण शौरी को क्यों हमने अलग थलग कर दिया है? उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अरुण शौरी तो फकीर आदमी है, बिगड़ तो रहा है हम लोगों का जो हम उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अभी इतने बड़े स्टेट्समैन हैं हमारे, यशवंत सिन्हा जी कहाँ हैं, क्यों उनको दूर किया हुआ है? हमारे ऑपोजिशन की प्रतिबद्धता है कि आज बंगाल, केरला, चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा, ये सब आ रहे हैं, और एक और कुमार स्वामी अपना कर्नाटका, ये सब मिलकर आज आ गए केजरीवाल के समर्थन में। दरअसल ये केजरीवाल के समर्थन में तो आए ही हैं, लेकिन साथ ही साथ और दिखाता है इनकी प्रतिबद्धता या इनके जो यूनाइटेड ऑपोजिशन है उसमें लगता है कि और पुल और पुश और ज़बरदस्त उसका चुंबकत्व वो बनकर सामने आए हैं, तो इसे देखना होगा। मैं अभी भी यही आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अभी गुड सेंस विल स्टिल प्रिवेल अपॉन अस, और हम लोग इसको बहुत ही मजबूती के साथ एक गुट और एक जुट होकर इससे निपटने में सक्षम होंगे। आमीन। बिल्कुल सर, आप ऐसे ही सेवा करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमसे ऐसे ही मिलते रहिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नेटवर्क 18 से बात करने के लिए। हाउ स्वीट, वेरी नाइस ऑफ यू। आप भी बहुत खुश रहें, खुशहाल रहें, आपका आपका परिवार और हमारे न्यूज 18 के तमाम दर्शकगण खूब फले फूलें, खूब खुश रहें, एकदम दूध नहाएं, पूतो फलें, अच्छी सेहत हो। सारे 21 जून को वर्ल्ड योगा डे, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही उसके लिए उनको श्रेय जाता है, यूनाइटेड नेशन से डिक्लेयर कराया, उसमें साथ दें, योग को अपनाएं, अपनी सेहत ठीक रखें, क्योंकि मेरा हमेशा मानना रहा है हेल्थ ऑफ द नेशन इज वेल्थ ऑफ द नेशन। वही देश सबसे ज़्यादा गतिशील और प्रगतिशील हो सकता है जिस देश की जवानी या जवान बहुत चुस्त हों, दुरुस्त हों और तंदुरुस्त हों। आमीन। खामोश। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कई लोगों की मौजूदगी में कुछ गोताखोरों ने यमुना नदी में डुबकी लगा दी। वहां भीषण गर्मी की वजह से नहाने के लिए नदी में उतरे दो लड़के अचानक डूब गए, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद गोताखोरों ने नदी में लड़कों को खोजने का अभियान छेड़ दिया। इस बीच नदी की धारा में गुम हो चुके विकास के परिजनों को जब इस हादसे की जानकारी मिली तो उसके परिवार में मातम पसर गया। घर की महिलाएं दहाड़े मार कर रोने लगी।
जिस पर आसपास के लोगों ने परिवार की महिलाओं को दिलासा भी दिया। चार लड़के गए थे। अच्छा, अभी ये पता नहीं कहाँ पे गए, कहाँ पे डूबे, हमें तो पता नहीं, हमें तो अभी फोन आया जब पता लगा। इस बीच गोताखोरों की टीम ने आधे घंटे की कवायद के बाद दोनों लड़कों का शव बरामद कर लिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ युद्ध विराम खत्म करने के बाद सरकार ने घाटी में छिपे आतंकियों के सफाये की पुख्ता योजना बनाई है। इस योजना के तहत सुरक्षा बल घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर को निशाना बनाएंगे ताकि आतंकी हमलों की योजना को अंजाम देने के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल की हिट लिस्ट में आतंकी जाकिर मूसा, हिज्ब कमांडर रियाज नायकू और लश्कर का टॉप कमांडर जीनतुल इस्लाम शामिल। सूत्रों का दावा है कि खुफिया एजेंसियों को लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि आतंकी बड़े हमले की फिराक में हैं और इन्हीं आतंकी हमलों को नाकाम करने के लिए सरकार ने नई रणनीति बनाई। हाईकोर्ट के सवाल उठाने के बावजूद दिल्ली में एलजी दफ्तर के बाहर केजरीवाल और उनके मंत्रियों का अनशन जारी है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके एलजी पर निशाना साधा कि 8 दिन हो गए लेकिन एलजी अनिल बैजल को दिल्ली की जनता के लिए 8 मिनट भी नहीं मिले हैं। वहीं मनीष सिसोदिया और सत्येन जैन की तबीयत में सुधार आया है जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जबकि मामले में अभी सियासत जारी है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, लिखा, शुभ प्रभात, दिल्ली माननीय एलजी से मिलने के लिए 8 दिन से इंतजार में है। डिप्टी सीएम और मंत्री सत्येन जैन तबीयत बिगड़ने से अस्पताल में भर्ती हो गए लेकिन माननीय एलजी को दिल्ली वासियों के लिए इन 8 दिनों में 8 मिनट भी नहीं मिले। उम्मीद है उन्हें आज कुछ वक्त मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय अभी भी एलजी हाउस के अंदर धरने पर हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने इन धरने पर या कहें स्ट्राइक पर इस पर सवाल खड़ा किया है और सीधे सीधे हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या एलजी के अनुमति लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री एलजी हाउस के अंदर इस तरह से धरना या स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, किसी के प्रमाइसिस के अंदर इस तरीके से बैठना सही नहीं है। और आप तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं कि एलजी हाउस को चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मुस्तैद हैं जो कि रेसिडेंशियल हैं यहां पर। जिन लोग यहां पर रहते हैं वो दिल्ली पुलिस को अपना रेसिडेंशियल प्रूफ दिखाकर अंदर जा सकते हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जितने भी अधिकारी हैं दिल्ली सरकार के अंदर काम करते हैं, अधीन काम करते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी खुद की है। उसके बाद से अधिकारियों ने जो IAS एसोसिएशन है उन्होंने इसका स्वागत किया है लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री अड़े हुए हैं कि जो बैठक होनी चाहिए सरकार के मंत्री और IAS एसोसिएशन अधिकारियों के बीच में उसकी अध्यक्षता खुद LG करें लेकिन फिलहाल LG चुप हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री गोपाल राय फिलहाल अभी भी LG हाउस के अंदर धरने पर बैठे हुए हैं। जब से ये सरकार आई है जनता के सवाल पता नहीं कहां छूट गए। जनता आज सफर कर रही है तो आज उनको लोगों को काम करके अपने पक्ष में करना है न कि धरना प्रदर्शन करके। किसी ना किसी प्रकार से अगर गैर भाजपाई सरकार है तो उसको तंग किया जा रहा है, हराज किया जाए और कामकाज नहीं किया जाए। यही BJP के लोग केस मुकदमा पहले करने का काम किए, जबरदस्ती छापे मरवाने का काम किए, चाहे हमारे हों, हमारे यहाँ हों या अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ, हर जगह यही जो उनका पुराना जो मेथड है उसी को इस्तेमाल करके वो चाहती है कि सरकार को दबाया जाए और कामकाज रोका जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं OP शर्मा, BJP के विधायक। LG हाउस पहुंचे हैं ये सर, सबसे पहले LG हाउस आप अभी पहुंचे हैं, अंदर जा रहे हैं, किससे मिलना है? हमारे यहाँ DDA की जो मीटिंग होती है, आज DDA की जो दिल्ली के विषय में है, जो भी कमर्शियल जो दुकानें हैं उनका जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसको DDA की जो मीटिंग है अथॉरिटी की, मैं उसका मेंबर होने के नाते आज आया हूँ। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी और उनके मंत्री जो हैं गोपाल राय अभी भी अंदर धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, क्या LG से इस बारे में आप बात करेंगे? ये दिल्ली की राजनीति का एक विभत्स चेहरा जो केजरीवाल जी दिल्ली और देश के लोगों को दिखा रहे हैं ये एक शर्मनाक है। रात को 12 बजे घर पर बुला के लोगों को पीटें, जिससे मिलने जाएं उसके घर पर कब्जा कर लें, तो दिल्ली की राजनीति का एक विभत्स रूप जो केजरीवाल जी ने दिखाया। और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, जो चार चार पांच पांच जो CM बेरोजगार हैं वो भी इसी में जो लग गए हैं, आज ये पूरी दिल्ली और देश की डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही शर्मनाक दिन है। सर,
सर, फिलहाल जो है सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया LNGP अस्पताल में भर्ती हैं। अगर अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है तो आपको क्या लगता है कि दोबारा इस धरने को ज्वाइन करेंगे या फिर अपने ऑफिस रिज्यूम करेंगे? निश्चित रूप से दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहिए उनको, अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो। असम के तिनसुकिया जिले में 12 लाख से ज्यादा रुपयों को चूहों ने कुतर डाला। असम के तिनसुकिया जिले में एक ATM में मौजूद करीब 12 लाख से ज्यादा रुपयों को चूहों ने कुतर दिया। चंडीगढ़ में एक पार्क में खेल रहे चार भाई बहनों पर कई कुत्तों ने हमला कर दिया जिसमें वो जख्मी हो गए। बिहार के धनबाद में गाड़ी में बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी जिसमें एक लड़की की मौत से खफा गांव के लोगों ने हंगामा किया। यूपी के अमरोहा में बच्चों की अनबन को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला दर्ज किया गया। यूपी के जौनपुर में एक महीने पहले बनी सड़क अचानक 5 फीट नीचे धंसने से इलाके में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री तिलकराज बेहड़ ने जयदीप शर्मा नाम के अपराधी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। बिहार के औरंगाबाद में दिव्यांग संघ ने दिव्यांगों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से हथियार, नगद और मोबाइल समेत कई सामान बरामद किए गए। यूपी के महराजगंज में एक ट्रक और टेम्पो के बीच भीषण टक्कर हो गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। हरियाणा सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में IAS अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को सांसदों और विधायकों के सम्मान में अपनी कुर्सी छोड़कर स्वागत के लिए खड़ा होने के लिए कहा गया है। साथ ही अगर कोई अधिकारी या फिर सरकारी कर्मचारी व्यस्त होने पर सांसदों या विधायकों का फोन नहीं उठा पाएगा तो उसे SMS के जरिए जवाब देना होगा। हरियाणा सरकार के सर्कुलर को दिल्ली के डिप्टी CM के मीडिया एडवाइजर ने ट्वीट कर शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री दिल्ली में IAS अधिकारियों को हड़ताल करने की इजाजत देते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके लोग हरियाणा में ये निर्देश जारी कर रहे हैं। ये देश के सबसे बड़े दफ्तर का दोहरा मापदंड है। बेशर्म दिल्ली में राजनीति हार का बदला लेने के लिए लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। शर्मनाक। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, इस सर्कुलर के बाद यकीनन सियासत तो गर्माएगी। जी बिल्कुल, देखिए विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं और खट्टर सरकार को घेर रही हैं। उनका कहना है कि खट्टर सरकार का ये सर्कुलर कहीं ना कहीं जो VVIP कल्चर है उसको बढ़ावा देने वाला लगता है और जिस तरह से अफसरों को कहा गया है कि वो अपने इलाके के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों के सामने नतमस्तक हों, उनका खड़े होकर स्वागत करें, अगर वो किसी जरूरी काम में फंसे हुए हैं तब भी उनको रिस्पॉन्स करना होगा, तो इसको लेकर जो अफसर हैं वो खुलकर तो सामने नहीं आ रहे लेकिन दबी जबान में वो भी विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरह का सर्कुलर है। उनके सरकारी अधिकारियों के पास, अफसरों के पास, बाबुओं के पास एसोसिएशन कुछ कह रही है इस पर? देखिए अब तक IAS एसोसिएशन की तरफ से कोई भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया लेकिन दबी जवान से कई ऐसे सीनियर अफसर हैं जो कि इस पूरा जो सर्कुलर है उसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरह का एक तुगलकी फरमान खट्टर सरकार की तरफ से जारी किया गया है। नजर बना रखिए। दिल्ली के नांगलोई में मौजूद प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग को दमकल विभाग के कर्मचारी बुझाने में जुट गए। आरोपी की रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तरीके से चल रहे इस गोदाम में आग पर काबू पाने वाले सामान तक नहीं थे जिसकी वजह से आग तेजी से प्लास्टिक गोदाम में फैल गई, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल विभाग से जुड़े लोग बिना वक्त गवाए आग पर काबू पाने में जुट गए। इसके लिए उन्होंने पानी की बौछार का भी सहारा लिया। यहाँ पे चौकीदार है, उन्होंने सबने फिर सबको बताया जिनके गोडाउन है, जिन्हें सूचना दी प्रशासन को। हालांकि जिस वक्त गोदाम में आग लगी उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। ये तकरीबन 11:15 बजे कॉल मिली थी। यूपी के हापुड़ में भीड़ पर एक आदमी की पीट पीट कर हत्या का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद दो लोगों के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की जिसकी वजह से कासिम नाम के आदमी की मौत हो गई। गांव के ही कुछ लोगों का दावा है कि मारपीट गौकशी के आरोप में की गई। मामले में पुलिस ने 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हापुड़ की तस्वीर है एक तरफ, वो तस्वीर जहां पर पीट पीट कर उस शख्स की हत्या की गई। आरोप ये लगाया गया कि वो गौ तस्कर है, इसी को लेकर उसकी पिटाई की गई और इतनी ज्यादा पिटाई उसकी की गई कि अस्पताल में ले जाया गया जब तो उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मैं तो जो है मैं एक हवा लगा लड़का है, मैं दोनों साथ साथ थे उस के पास बैठे थे, खबर मिली तुम्हारे यहाँ पकड़ी गई। जब हम आए वहां से
तो जब तक दो लोग पकड़ रखे थे, तीन गाय, दो गाय बछिया थी और मुझे मारपीट कर रही हुई निकले, पुलिस मौके पर मौजूद। प्रकरण बजेड़ा गांव का है। बजेड़ा गांव से होकर के दो व्यक्ति जा रहे थे, बजेड़ा गांव के लोगों को उससे झगड़ा हुआ। झगड़े में जो है एक व्यक्ति, दोनों व्यक्ति घायल हो गए, दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, एक व्यक्ति की जिसमें से मौत हो गई है। रूस में इन दिनों वर्ल्ड कप फुटबॉल के मैच खेले जा रहे हैं और पूरी दुनिया में फुटबॉल प्रेमियों के सर चढ़कर इसका जुनून बोल रहा है। लोग अपने अपने अंदाज में फुटबॉल से अपने प्रेम को जाहिर कर रहे हैं।